नमस्कार दोस्तों, फ्री कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सैलेड की क्लास में वेट लॉस हेल्दी वेजिज सैलेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। यह सैलेड जितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। वेट लॉस हेल्दी वेजिज सैलेड कैसे बनाया जाता है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सैलेड बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल। बाउल में डाल रही हूँ एक कप लंबे पतले स्लाइस में कटी हुई गाजर, आधा कप पतले लंबे स्लाइस में कटी हुई हरी या पर्पल कलर की पत्ता गोभी लेनी है, एक चौथाई कप पतले लंबे स्लाइस में कटी हुई चकुंदर ले रही हूँ, आधा कप छोटे पीस में कटा हुआ टमाटर, टमाटर को काटते समय टमाटर के बीज निकाल देने हैं, एक चौथाई कप छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लाल पीली हरी तीनों ले सकते हैं या फिर उसमें से कोई से भी एक कलर की शिमला मिर्च ले सकते हैं। एक चौथाई कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ खीरा ले रही हूँ। सैलेड बनाने के लिए वेजिज आप कोई सी भी ले सकते हैं या फिर इसमें से कोई सी भी वेजिज को स्किप कर सकते हैं। सैलेड बनाने से पहले कटी हुई पत्ता गोभी और चकुंदर को आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगोकर छोड़ना है। आप इसमें बॉइल्ड स्वीट कॉर्न या फिर बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। सैलेड बनाने के लिए आप इसमें पनीर या फिर टोफू भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें वे सब चीज़ें डाल सकते हैं जो हेल्दी होती हैं और सैलेड को टेस्टी बनाती हैं। इसके बाद मैं इसमें एक चौथाई कप कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। इस सैलेड में पुदीने का फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं एक चौथाई कप कटा हुआ पुदीना डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें एक छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। सैलेड के फ्लेवर को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें दो बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली की गिरी डाल रही हूँ। सैलेड में पीनट का फ्लेवर बढ़िया बनकर आए, इसलिए मैं इसमें दो बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डाल रही हूँ। मूंगफली के पाउडर को मिक्सी में घुमाकर हल्का सा दरदरा पाउडर बनाना है। मूंगफली की गिरी और उसके पाउडर से यह सैलेड खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। इसे डालने से बड़े तो क्या, बच्चे भी इस सैलेड को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मूंगफली का जो फ्लेवर आता है इस सैलेड में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आधा बड़ा चम्मच शहद डाल रही हूँ। शहद को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप मैपल सिरप या फिर पाउडर शुगर डाल सकते हैं। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू के रस और शहद से सैलेड में खट्टा मीठा फ्लेवर बनकर आता है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सैलेड को कितना खट्टा या कितना मीठा रखना है, यह आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। सैलेड के फ्लेवर को सुपर बनाने के लिए मैं ओलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। पैन में डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच ओलिव ऑयल। आप ओलिव ऑयल को स्किप करके मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। ऑयल के गर्म हो जाने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 13 से 14 करी पत्ते। करी पत्ते को करना है हल्का सा रोस्ट, गैस की फ्लेम लो रखनी है। करी पत्ते से सैलेड में यूनिक फ्लेवर बनकर आएगा। अगर आप सैलेड में गार्लिक पसंद करते हैं तो आप करी पत्ते के साथ थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक डाल सकते हैं। करी पत्ते को हल्का सा भूनने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है। करी पत्ते की ड्रेसिंग से सैलेड में और भी अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। सैलेड को बनाने के लिए हमने जो करी पत्ते की ड्रेसिंग दी है, उस ड्रेसिंग को आप स्किप कर सकते हैं। मिक्सिंग हो जाने के बाद सैलेड रेडी हो गया है। आप इस तरीके से सैलेड को बना करके कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब आप इसको सर्व करें उसी टाइम इसमें नमक और काली मिर्च का फ्लेवर देना है। नमक और काली मिर्च को डालने के बाद आपको इसे तुरंत सर्व करना है, आप इसे उठाकर नहीं रख सकते हैं। अगर आप सैलेड को टिफ़िन में ले जा रहे हैं तब भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले से ही नमक डालने से सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं। काली मिर्च को भी बाद में डालने से काली मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा बनकर आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। नमक और काली मिर्च को करना है सलाद के साथ अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्सिंग हो जाने के बाद वेट लॉस हेल्दी वेजिज सैलेड बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करने वाली हूँ। यह सैलेड देखने में जितना ज़्यादा यम दिखाई देता है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा यमी है। यमी होने के साथ साथ हेल्दी और वेट लॉस भी है। इस सैलेड को खाने के बाद आपको बार बार भूख बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। सैलेड की रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी की वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वेट लॉस हेल्दी वेजिज सैलेड की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैलेड क्लास की आने वाली अगली न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।